इस बार की वीडियो मठ मंदिर के पीछे जो गार्डन है वहाँ पर शूट कर रहे हैं। जो कुछ दिन पहले तूफान आंधी तूफान से हमारा गार्डन तहस नहस हो गया था, तो मैं आपको पहले चलो गार्डन दिखा देता हूँ, हमारे गार्डन की क्या हालत। तो देखिए पूरा तहस नहस हो गया है, उस दिन तूफान में बहुत तेज तूफान था, पेड़ गिर चुके हैं बिल्कुल। एक पेड़ यहाँ पर पड़ा है, आप देख सकते हैं गार्डन पूरा तहस नहस हो गया, चारों दिशाओं में बर्बादी हुई है, बहुत तेज आंधी तूफान चली थी। तो ये देखिए क्या हाल है हमारे गार्डन का। ये देखिए ये लकड़ी टूटी पड़ी है, ये जो मटेरियल है जो कि हम लोग बाद में जला देंगे इन लकड़ियों को, तो इनको कुछ उपयोग में ला लिया जाए जो कि हमारे गार्डन की कुछ खूबसूरती में काम आ जाए। तो हम इन लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर हमारे भोलेनाथ का चेहरा बनाने वाले हैं, तो वो चेहरा दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, मज़ा आएगा आप सभी को। तो वो या इस जगह चूज़ कर ही हमने ये हमको अब काम चालू करना पड़ेगा। तो ये सारे ही जो लकड़ियों की टहनियाँ हैं, ये टहनियों से हम कुछ नया कलाकारी करने वाले हैं। इससे पहले कि यार लकड़ियाँ घर में चूल्हे जल जाएँ, खाना बन जाए, इन्हें यूज़ लेना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए। जिस दिन तूफान आया था कम से कम आधा ट्रक माल उसी दिन यहाँ से गायब हो चुका है। ओह नो, आशीष भैया ने स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लकड़ियाँ छांट कर आई हैं जो कि चंदन की हैं। इनका थोड़ा दिल बहुत दुखा है चंदन की लकड़ियों के, बताइए आपका क्या कहना है। चंदन की लकड़ी में भाई साहब बहुत मेहनत से उगाई है आपने, कई सालों से पानी डाल के इस पे। राहुल भाई ने एक कुल्हाड़ी लाई है लकड़ियाँ छांटने के लिए, पर जो पेड़ गिरा हुआ था ये पेड़ से कुछ बारीक लकड़ियों की जरूरत है हमें फेस में लगाने के लिए, क्योंकि हमें फेस सिर्फ लकड़ियों की वाली टहनियों से बनाना है, तो इसकी ज़रूरत है और स्ट्रक्चर हम इसी से बनाएंगे इन लकड़ियों से। तो राहुल भाई इनको काटेंगे, सारे ही काट लो क्योंकि पेड़ वैसे भी हमारा कोई काम का नहीं बचा यार, क्योंकि मजबूती ज़्यादा देना है तो हमें मोटी टहनियों की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा समय तक टिके रहे, लोग देखने भी आ सकते हैं उस कलाकृति को। ये भैया लोग निकाल रहे हैं लकड़ियों को, पूरा नक्शा ही बदल गया हमारे गार्डन का, क्या खतरनाक तूफान था। ये लकड़ी निकाल हटो हटो, इतना भारी है बिल्कुल, भारी है ये, इतनी भारी तो नहीं है। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवरे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये कुछ लकड़ियां पहले से हमने जमा करके रखी हुई थी, तो इसको यहाँ से हटाना होगा, यहाँ बना रहे हम भोलेनाथ, ताकि गार्डन मैं डायरेक्ट सामने साइड चेहरा करके बनाना पड़ेगा कि पीछे से बिल्कुल दिखे। ये द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है गार्डन में, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं। बस हेल्पर के तौर पे हमारे भैया हैं जो कि आशीष भैया, नमस्कार। नमस्कार विक्की भाई साहब, नमस्कार। ज़्यादातर जनता तो जानती होंगी, जो नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। बनाने के लिए यहाँ पर हमें गड्ढा करना होगा, तो करना देख सकते हैं आप, गड्ढा कर रहे हैं इसके लिए हमें ये औजार की जरूरत पड़ रही है। गड्ढा ठीक है ना, देख गड्ढा करने के बाद एक बल्ली गड़ाना पड़ेगा जो कि लकड़ी होगी। गेती है ना, सब्बल है भाई, में त्रिशूल से काम किया जा रहा है इधर, वो जे छोटा सा फावड़ा गरीबी रेखा है के तौर में लेके आया गया है, कहने का मतलब गरीब ही हम। तो ये गड्ढा खोदने की प्रोसेस जारी है, कम से कम 3 फीट का गड्ढा चाहिए हमें, थोड़ी मजबूती से बनाना पड़ेगा कि आंधी तूफान आए तो कुछ नुकसान न। आशीष भैया नाप रहा है पूरा गड्ढा की, पूरा फिट टू फिट आना चाहिए। तो दोस्तों बहुत मेहनत के बाद ये 2.5-3 फीट का गड्ढा खोदे हम लोगों ने, और मिट्टी इतनी निकल गई है, यदि ज़रूरत है तो किसी को ले जा सकता है यहाँ से, एक ट्राली मिट्टी निकली इस गड्ढे से, 3 फीट के गड्ढे से एक ट्राली मिट्टी, आप सोच सकते हो आप। हो गया करके, तो इसमें हम अब बल्ली लगाने वाले हैं, तो बल्ली ख़राब ना हो तो हमने अंदर पॉलिथीन डाल दी है। अब इसमें हमें चेहरे का और शोल्डर का स्ट्रक्चर कसना पड़ेगा। तो ये हमने जो सपोर्ट लगाया है नीचे, ये शोल्डर का रूप ले लेंगे बाद में। और आज है 8 जून, हमारा समर कैंप ख़त्म हो चुका था 23 मई को, तो हम लोगों ने सोचा बच्चों के लिए कुछ न्यू वीडियोस, कुछ नई यूनिक वीडियो क्रिएटिविटी लाए जाए। बच्चे लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे और हम लोग बच्चों से काफ़ी ज़्यादा
अटैच्ड हो गए, तो वही उनसे कनेक्ट होने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें हम लोग बच्चों से कनेक्ट रहते हैं, उनसे बातें करते हैं और कॉम्पिटिशन भी होते हैं और उसमें हम उन्हें प्राइज भी देते हैं। अच्छा, ये चल रहा है हमारा इतनी धूप बगीचे में कार्य, जो कि भैया लोगों ने आपको स्टोरी में बताया होगा। गाइस ये देखिए, फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तैयार हुआ है हमारा अभी, ये आड़ी तिरछी लकड़ियां भर भर के। अरे उड़ ना जाए, इसलिए मजबूत के लिए यहाँ पर डालना पड़ेगा। एक और ये उड़ ना जाए इसलिए ये बिक्की भैया हमारे ये गड्ढा करते हुए 18.5 फुट का। नहीं इतना लंबा नहीं, यहाँ से बल्ली आने की एक लकड़ी लगाना पड़ेगा जो गले की आकृति बनी थी पीछे से, देखो ये पूरी यार बंद हो जाएगा थोड़ा। कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी ये, लोग ऐसे होलिका का जो होलिका दहन होता है वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर होलिका बनाई जा रही है, पर अभी रुकिए थोड़ा, अभी काम होगा हमारा, थोड़ा मज़ा आ रहा है काम करने पर दिखाएंगे आपको कि क्या बनने वाला है। ये लकड़ियाँ कम पड़ गई तो हम जो काटने निकले हैं दोस्तों लकड़ियाँ, ये धूप में देखिए कितनी धूप में हम लोग ये लकड़ियाँ काट रहे हैं, पर इससे गार्डन की साफ सफाई भी हो जाएगी थोड़ी। ये हमारे बिक्की सीना बहुत मेहनत से लकड़ी काटते हुए लेके आ रहे हैं घसीटते हुए, इनको देखिए भैया क्या धूल ले जा रहा है। अभी तक कितनी लकड़ी काटे भैया? अभी इतनी काटी यार भाई, ये बहुत ज्यादा लकड़ी काट ली यार भैया आपने। तैयार हो जाएंगे हमारे। चलो ठीक है, गौर से देखिए इस व्यक्ति को, यही है वो लकड़ी चोर। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी। पानी का मौसम बन रहा है, शायद तूफान आने की संभावना है, काम हमें बंद करना पड़ सकता है, पुराने वाला तूफान है। ये देख सकते हैं आप माहौल, देखिए खेत का, क्या कहना है आपका कि यहाँ पर कभी भी आने की आप और सकते हो क्या? काटने जा रहा था, कल क्या करूँ, मेरे को अब कटी कटाई लकड़ियाँ मिलेंगी, मैं उनको छांट के ला लिया इधर, तो अभी काम बंद करना पड़ेगा, यहाँ से भागिए क्योंकि कभी भी सर फट सकता है। मठ मंदिर की सिपाही थोड़ा डरे हुए तूफान से, इस हद तक हमारा काम कंप्लीट हुआ है, अभी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। चेहरे में अब घना करने के लिए थोड़ा हमें पतली लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये निकाल के रख चुकी है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, तो ये लकड़ी हमने तोड़ा है बहुत सारी। हर हर शिव जंगल नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहार। आकृति यहाँ पर आ रही है धीरे धीरे, हम बनाते चल रहे हैं, तो हमसे नहीं टूटी ये देख लीजिए, एक बार में दो टुकड़ा कर दिए चाचा जी ने। तो गुरुजी ये काम कब तक खत्म हो जाएगा आप बता सकते हैं ऑडियंस को? आप करोड़ों जनता देख रही है यहाँ पर, देख सकते हैं। अब देखो इसके सब लोग दिल थाम के बैठे हुए हैं कि कब बने और कब हम देखें। झंडा जो है हवा तूफान से तिरछा हो गया, तो ये राहुल जो है हमारा राहुल कलाकार ऊपर चढ़ा हुआ है अभी। कोई ये छोटी छोटी सी लकड़ियाँ हम फेस पर इस तरीके से लगा रहे हैं, कुछ जाल बनाते हुए, फेस जैसा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। भारी बारिश में काम करने में कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है हमको, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। अच्छा, भोलेनाथ के दरबार में सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लाल जो पीली ये हमारी लकड़ी, पर अभी हमें इसमें मूछ दाढ़ी और इनके बाल बनाने, तो ये भोलेनाथ जैसे दिखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। जितना पास तुझको पाया।
देखिए आप लोग की हमने कितनी बारीकी पर एक एक लकड़ी लगाई है दोस्तों, कितनी मेहनत करे हम लोग ने। तो यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर। जब हार के बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो बाबा ने क्या कहा, छोड़ दे तू चिंता मेरे यार मैं हूँ ना। इतना फेस हमारा तैयार हो चुका है, पर अभी इनके बालों को तैयार करने के लिए हमें जरूरत है जो बरगद की जड़ बेला बेला की जरूरत है। तो हम यहाँ हमारे गार्डन नहीं है तो हमें कहीं और तोड़ने जाना पड़ रहा है। जैसे चलिए अब आगे शूट करते हैं। जय महाकाल। मुझे तो जो हमारे चाचा जी की ऑटो में हम जा रहे हैं सब सहायता कर्मी करके, हमारे अज्जू भैया यहाँ पर हत्या चाचा जी लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। देखिए शाखाएं यहाँ पर पड़ी हुई है, हमने जिंदा वाली नहीं तोड़ी है, पहले से डैमेज वाली शाखाएं यहाँ पर हैं। बेला जो हम ले जा रहे हैं तो हमारे भैया लोग हम काटना चालू कर रहे हैं अभी। और खुले हल्की सी काटना पड़ेगा, ये देखना जो ये हाथ मारने लग जाए आपके। मेरी फोटो दो सांप दिख गए हैं शायद, तो इनके रास्ते में आ गए हम, तो हम इसे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें जाने दे रहे हैं। अपन इसकी जगह में आ गए तो यहाँ से नहीं तोड़ेंगे अपन, अब दूसरी जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। नाग देवता नाराज है, भोलेनाथ के रक्षक हैं ये। बाल बनाएंगे बहुत प्यारे इसमें, बहुत बढ़िया काट दो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो चलो रख लो बोनी हो गई हमारी। जय श्री महाकाल। टूटी क्या? तो चाचा जी बेला तोड़ने का कुछ दिमाग लगाइए। हाँ भैया हाँ। जी करोड़ों साल पुराना वृक्ष है, कितना प्यारा दिख रहा है ये। तो दोस्तों ये बेला आ गई है, अब इसको हमको सर में लगाना चालू करना है। तो देखिए अभी हमने इतनी लगाई है तो इस तरह इन पे डाल के हमें बांधेंगे ताकि इनके जो जटा बन जाए और वो काफी अच्छी भी लगेंगी दिखने में। मत बांधो ना उसको, ये हमारे कैमरे का स्टैंड बन रहा है भैया। ये देखिए हमारा स्टैंड है जिसमें हमारा कैमरा फिट होता है। ये बाबू ऐसा भी गोल गोल घूम जाता है। अरे इसको भी देखो, वाटर कैटिंग। ये हो गया हमारा कैमरा स्टैंड। ये भोलेनाथ की कान की बाली है, इसे हम कान पे लगाने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये कान के कुंडल तैयार हो गए हमारे, जो कि हमने जड़ों से बनाए हुए हैं। लपेट लपेट के ये भगवान के तिलक बनने वाले हैं, त्रिनेत्र इस तरीके से। तो बस इनकी आंख बची हुई है जो कि हम अब बनाने वाले हैं। इन लकड़ियों से एक एक करके लगाने वाला हूँ मैं, आप देखते रहिए बस कि कैसे। दोस्तों
तो इनकी आंखें बनने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, बताइए कैसे लग रहे हैं कमेंट पर जरूर। तो दोस्तों इन्हें पानी से धूप से बचाने के लिए ऊपर शेड बनाना पड़ेगा, तो हम इसके ये बल्ली हमने काट रखी है यहाँ पर, तो हम इन बल्लियों से लकड़ियों से यहाँ पर शेड बना रहे हैं लकड़ियों का। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। तो फाइनली छत बन चुकी है पानी से बचने के लिए। दोस्तों पानी गिर रहा था इस कारण यहाँ पर उसकी वीडियो नहीं लोड कर पाए, तो देखिए बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तैयार हो गए हमारे भोलेनाथ जी, लकड़ियाँ सेफ रहे, हमारे कलाकार मोनू आर्टिस्ट स्प्रे चला रहे हैं। हेलो मोनू भाई, सामने से दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है यहाँ पर, और इतना पता नहीं था कि भोलेनाथ का इतना ज्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा हम लोगों को। तो चलिए अब आपकी बारी है, आप भी वीडियो वॉच कीजिए और देखिए और मजा कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।